हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज माई थर्ड वीडियो ऑन अवर चैप्टर फोर्थ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इन दिस आई टेल यू अबाउट द पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड मीन्स विच वंस वर हैपन्ड आफ्टर द रेवोल्यूशन पीरियड. फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रेंच रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1792. तो 1792 में फ्रेंच रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया गया. बट द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, अब जो ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी, फेस्ड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. इसको देखो, उस टाइम पर जो ऐसा टाइम था कि काफी इनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा जो न्यूली गवर्नमेंट को सेटअप किया गया था. देयर वर डिसएग्रीमेंट्स ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुईस 16. तो मींस आपस में ही जो ये मेंबर्स थे, जो पॉलिटिकल ग्रुप के मेंबर्स थे, उनमें आपस में डिसएग्रीमेंट था ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुईस 16. मींस कुछ एक चाहते थे मेंबर्स से एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, बट समवन नॉट स्पॉटेड दिस. ओके, तो जहां पर डिसएग्रीमेंट था तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह से प्रॉब्लम आ रही थी, फेस कर रहे थे जो ये फ्रेंच रिपब्लिकल सेटअप हुई थी इन द ईयर 1792. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, जैकोबियंस अ रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप. देखो, इस जो ये सिचुएशन थी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आपस में क्रिएट हुई है, मीन्स आपस में यूनिटी नहीं है फ्रेंच रिपब्लिक जो ये पॉलिटिकल जो जहाँ पे गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, तो इसका एडवांटेज मिला जैकोबियंस को. अब जैकोबियंस कौन थे? अ रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप, एक पॉलिटिकल ग्रुप था. रेडिकल का मीन्स क्या होता है? जो चाहते हैं, जिनका मीन्स जिनके रेवोल्यूशनरी मेथड्स को वो अडॉप्ट करते हैं और जो चाहते हैं टोटली चेंज. ठीक है, तो एक रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप था. द टुक द कंट्रोल ऑफ द नेशनल कन्वेंशन इन देयर हैंड्स, मीन जो गवर्नमेंट का कंट्रोल उनके हैंड में चला गया. अब मैक्सविलियन रॉब्सपिरा वॉज अ लीडर ऑफ द जैकोबियन. तो ये जैकोबियंस के लीडर थे. एक्चुअली ही वॉज ए लॉयर, ये लॉयर थे पहले. तो इन्होंने जैकोबियंस की लीडरशिप इनके अब इनके हैंड में थी एंड दिस स्टार्टेड अ रीजन ऑफ टेरर. अब यहाँ से एक रीजन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ. रीजन ऑफ टेरर का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जब हमें पता ही नहीं होता है कि कब किसके ऊपर एक्शन आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है, एक रीजन ऑफ टेरर था जिसमें लोगों काफी लोगों को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था एंड इट वॉज हेल्ड बिटवीन द ईयर 1793 to 1794. तो पूरे एक साल के लिए यहाँ पर रीजन ऑफ टेरर चल रहा था फ्रांस में. द एग्जीक्यूटेड देयर एनिमीज, अब इन्होंने अपने सारे के सारे जो एनिमीज थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया. एंड उनके एनिमीज थे कौन? एंड द एनिमीज वर एक्स नॉबल्स, जो मीन्स क्वीन के लिए, किंग के लिए जो वर्क करते थे, जो नॉबल्स थे उनके अंडर, जो मिनिस्टर्स थे. एंड क्लर्जी, जो चर्च के जो मेंबर्स थे. मेंबर्स ऑफ अदर पोलिटिकल पार्टीज, दूसरी पोलिटिकल पार्टी के मेंबर्स. इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, अपने ही पार्टी के मेंबर्स को भी इन्होंने एग्जीक्यूट करवा दिया. हु डिड नॉट एग्री विद हिज नॉबल्स, मीन जो उनके आइडियाज के साथ जो एग्री नहीं थे, जो उनके मिनिस्टर्स के साथ, जो इसके जो लॉयर पर्सन थे उनके साथ जो एग्री नहीं थे, उनको सभी को रॉबेस्पियर ने एग्जीक्यूट करवा दिया. ड्यूरिंग दिस पीरियड सम इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स वर आल्सो सेटअप. अब इगैलिटेरियन क्या होता है? इगैलिटेरियन होता है जब हम कहते हैं कि सभी इक्वल है. चाहे तो देखो, इसने सभी को, रॉबेस्पियर ने सभी को मरवा दिया था अपने एग्जीक्यूटिव को, एक रीजन ऑफ टेरर स्टार्ट किया. बट इसने लोगों के मन में एक्चुअली में देखो अपने एक मीन्स लोगों की जो कॉमन पीपल हैं उनकी सपोर्ट गेन करने के लिए इसने कुछ एक ऐसे इगैलिटेरियन प्रिंसिपल स्टार्ट किए. मीन्स लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए लोगों को. यहाँ पर इगैलिटेरियन होता है लोगों की वेलफेयर के लिए वर्क करना. ठीक है, और तो कुछ एक ऐसे प्रिंसिपल स्टार्ट किए लाइक द राशनिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स. अब राशनिंग ऑफ फूड ग्रेन्स क्या होता है? कि जब फूड ग्रेन्स की प्राइजेस को फिक्स कर दिया गया एट लो प्राइजेस, लो रेट रखे गए फूड ग्रेन्स के, तो लो रेट पर जो है फूड ग्रेन्स को अवेलेबल करवाया गया लोगों को. द एंडिंग ऑफ ऑल अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, एंडिंग ऑफ ऑल अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मीन्स जो मीन्स नोबल्स को, किंग क्वींस तो थे नहीं, चलो फिर भी जिनके फैमिली मेंबर्स होंगे उनको जो राइट्स, जो एडवांटेजेस प्रोवाइडेड थे वो सब कुछ खत्म कर दिया उसने. एंड द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, अब जो स्लेवरी थी उसको भी खत्म करवा दिया इसने इन द फ्रेंच कॉलोनीज. जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी, मीन जो फ्रेंच के अंडर जो कंट्रीज थी, जो कॉलोनीज थे फ्रेंच की, वहां से स्लेवरी को खत्म करवा दिया. ठीक है, तो ऐसे कुछ के इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स थे वो भी इन्होंने स्टार्टअप किए. बट रॉबेस्पियर वॉज आल्सो एग्जीक्यूटेड, अब इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया इन द ईयर 1794 एंड इट बिगेन द थर्मोडोरियन रिएक्शन. तो यहाँ से थर्मोडोरियन जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ. देखो कैसे इवेंट्स यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं. विद इन वन टू ईयर्स
कितने लोगों की हैंड में जो पावर आ रही है फ्रांस की, बहुत तेजी से यहाँ पर इवेंट्स जो है पॉलिटिकली चेंज हो रहे हैं। अब मॉडरेट फेस स्टार्ट हुआ अब यहाँ पर, ठीक है, थर्मोडोरियन जो थे, थर्मोडोरियन एक्शन स्टार्ट हुआ विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द रॉबेस्पियर। अ मॉडरेट फेस स्टार्ट हुआ इन विच द फ्रेंच पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ द रीजन ऑफ टेरर। तो यहाँ पर फ्रेंच पीपल ने रिवोल्ट किया, दे डिड नॉट वांट द रीजन ऑफ टेरर, क्योंकि जहाँ पर एक माहौल ऐसा बना हुआ था, इतने लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, सो मीन्स दे वर अगेंस्ट इट। ओके, तो इसलिए जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने इससे अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। नाउ द वेल्दियर मिडिल क्लास, अब देखो जो वेल्दियर जो मिडिल क्लास थी जिनको कोई भी राइट नहीं था और जो कि आते थे हमारे थर्ड ग्रुप में, ठीक है, जो कि थर्ड स्टेट थी, दे सीज द पावर। अब जो वेल्दियर जो मिडिल क्लास थे, पावर उनके हैंड में चला गया। दे अप्रूव्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया विच प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यहाँ पर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, मीन्स यू कैन से लॉ मेकिंग बॉडी वॉज देयर। देन एग्जीक्यूटिव पावर वॉज इन द हैंड्स ऑफ ए फाइव मेंबर डायरेक्टरी। तो एक फाइव मेंबर थे डायरेक्टरी, जब दैट वॉज कॉल्ड द डायरेक्टरी, जो फाइव मेंबर्स के ग्रुप था दैट वॉज कॉल्ड द डायरेक्टरी। तो जो ये लॉज को फ्रेम करते थे लेजिस्लेचर, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका था, डायरेक्टरी का, दीज फाइव मेंबर्स का। देर वॉज ऑल्सो ऑलवेज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डायरेक्टरी एंड दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब इन दोनों के बीच में ये आपस में प्रॉब्लम है, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं दोनों और जो ये एग्जीक्यूटिव पावर है डायरेक्टरी है, इनके बीच में भी आपस में प्रॉब्लम है। मीन्स उनका भी आपस में ये नहीं है कि किसी प्रॉब्लम को लेकर किसी एक सोल्यूशन पर आ रहे हैं ये लोग। ओके, सो दिस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर से यहाँ पर जो थी पोलिटिकली इंस्टेबिलिटी थी, पेव द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ से एक मिलिट्री जो डिक्टेटर मीन्स मिलिट्री मैन था ये एक नेपोलियन बोनापार्ट, ही टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द फ्रांस इन हिज हैंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द नेपोलियन बोनापार्ट एंड दैट वॉज अवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड दिस। हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।